और दोस्तों जैसे आज की टॉपिक हमने रखी है कि सेटलमेंट कराने से पहले आपको मेल कैसे लिखना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता है कि सेटलमेंट वाले आजकल आप लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन 1 जुलाई 2022 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आप लोगों के लिए नए सर्कुलेट को जारी कर दिया है, और अगर उसको देखते हुए अगर आप सेटलमेंट कराना चाहते हैं तो आप खुद भी बैंकों को अपनी प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए मेल लिख सकते हैं। उस मेल के माध्यम से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप मेल लिखेंगे तो आप बैंक के टीम के नज़र तले आ जाएंगे, और जब उनको पता चल जाएगा कि भाई ये एजुकेटेड है, मतलब ये हमें मेल लिख सकता है, तो फिर वो हो सकता है कि उस केस पे रिकवरी वालों को ना भेजे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि अगर मैं रिकवरी वालों को भेज दूंगा तो ये आगे एक्शन ना ले ले, अगर आगे एक्शन ले लेंगे तो बैंकिंग अम्बड्समैन वगैरह में आप जाके, क्योंकि सिंगल विंडो सिस्टम आप हो गया कंप्लेंट करने का, तो उन्हें डर लगेगा कि अगर आप उनकी कंप्लेंट कर देंगे तो फिर उनका जो मार्केट के अंदर एक साख बनी हुई है वो साख खराब हो जाएगी। दोस्तों साख की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, साख मतलब इज्जत प्रतिष्ठा की बहुत बड़ी वैल्यू होती है, तो कोई भी बैंक अपनी इज्जत प्रतिष्ठा पे इस छोटे से काम के बल पे दाग धब्बा लगाना नहीं चाहेगा। तो आप लोगों को मेल लिखना ज़रूर आना चाहिए। आप लोगों को याद होगा जब आप छोटे होंगे, जब 5वीं 6वीं 10वीं 12वीं में पढ़ते होंगे, तो आप लोगों को लेटर लिखना सिखाया गया होगा स्कूलों में कि भाई साइकिल चोरी होने पे कैसे लेटर लिखा जाता है, छुट्टी लेने के लिए कैसा लेटर लिखा जाता है, या कोई भी काम करने से पहले कैसे लेटर लिखा जाता है। सेम यही चीज़ इसमें आप लोगों के लिए है कि आपको लेटर ना लिख के मेल लिखना है। मेल बहुत सारे लोगों को लिखना भी आता है, और बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं लिखने आता है वो लोग सीख सकते हैं, YouTube पे बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है। दोस्तों उसमें क्या होता है कि जिसको आप मेल लिखते हैं उसका मेल एड्रेस होता है, जिसको CC मतलब दूसरे को देना चाहता है तो उसको CC होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, और फिर आपकी जो प्रॉब्लम होती है या जो भी चीज़ें होती है उसको लिखा जाता है, और नीचे फिर आप अपना नाम वगैरह लिख देते हैं। आता है ना आप लोगों को लेटर लिखना, तो मेल लिखना भी आपको आता ही होगा। देखिए मेल लिखना मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि मेल लिखने से आपके पास एक लीगल एविडेंस बन जाता है, क्योंकि आप किसी भी बैंक को अगर मेल लिखते हैं तो आप जैसे मेरा है ahktips@falanabank.com, जब मैं अगर उसको मेल लिखूँगा तो मेरे पास एक उसकी मेल आईडी का फॉर्मेट आ जाएगा, मेरे पास एविडेंस बन जाएगा, कभी अगर लीगल कार्रवाई के अंदर जाता है, वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर बाय द वे गया तो मेरे पास एक लीगल दस्तावेज होगा कि हाँ मैंने इनको मेल लिखा था, मेरी प्रॉब्लम थी और इन्होंने मेरी प्रॉब्लम पे उन्होंने कार्रवाई नहीं की। और आगे जो नेक्स्ट होता है जैसे बैंकिंग अम्बड्समैन वगैरह में या सिंगल विंडो में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बनाया है उसमें जाके आप उसके रेफरेंस के बिहाफ पे भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन के डेट में फंसे हैं, अगर आपके रिश्तेदारों को, आपके जानकारों को, आपके माता पिता, भाई बहन, बीवी, बच्चे, ससुराल वगैरह में कोई रिकवरी वाला कॉल कर रहा है या के हल्ला मचा रहा है, तो इस तजुर्बे से आप उनको रोक सकते हैं, और कम से कम में कैसे आप सेटलमेंट करवाना चाहें यह कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिए, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट से रिलेटिव, या कोई क्रेडिट कार्ड उनको बनवाना है, या कोई क्रेडिट कार्ड जो यूज कर रहे हैं उसको कैसे मैक्सिमम एडवांटेज के साथ आप यूज कर सकते हैं, आपको पर्सनल लोन लेना है या फिर होम लोन लेना है, कार लोन लेना है, एजुकेशन लोन लेना है, इनसे रिलेटिव आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज़ आप बेधड़क यहाँ पर लिख सकते हैं। इसे मिलती है आप लोगों को अगर जानना है तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है उसमें आइए। अगर आप होम लोन लेने का प्लान बना रहे हैं, लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेने का प्लान, परचेजिंग करने के लिए प्लॉट लेने का प्लान बना रहे हैं, तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ कि मैं दिल्ली में लोन से रिलेटिव, इन्वेस्टमेंट से रिलेटिव एक कंसल्टेंट हूँ। अगर आपको लोन लेना है या फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उन सब चीज़ों पर मैं काम करता हूँ, ठीक है ना। तो लोन लेना और बैंकों में इन्वेस्टमेंट करना दो अलग अलग चीज़ें होती है, मैं दोनों चीज़ों में काम करता हूँ। और आप लोग कभी फंस जाते हैं तो भाई उसमें निकालने में भी मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ, अगर आपको ज़रूरत है। अगर आपको कोई रिकवरी वाला बहुत हरेसमेंट कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि जिस बैंक का आपने क्रेडिट कार्ड लिया है
उसके कस्टमर केयर को आप अब कॉल करके आप अपनी परेशानी बता सकते हैं। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को पहले सेटलमेंट के लिए कस्टमर केयर में ना कुछ नंबर वगैरह नहीं होते थे, लेकिन अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो एक नई पॉलिसी आई है उसके अंदर क्या है ना कि आप लोगों के लिए बैंकों को कस्टमर केयर आप लोगों को देना बहुत मैंडेटरी हो गया है। कि देखिए, सेल्स कर दिया और सर्विस अगर नहीं मिली तो फिर यार आदमी उस प्रोडक्ट को क्यों लेगा। तो आप सर्विस पे बहुत फोकस करेंगे बैंक और बैंक की टीम। तो आप लोगों को अगर नया क्रेडिट कार्ड अगर आप लोग ले रहे हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि अब आप लोगों को सर्विस के लिए कौन कौन से नंबर हैं। बाकायदा बैंक आपको बताएगा कि अगर आपकी ये प्रॉब्लम है और इतने दिन में अगर आपका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं होता है तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से बैंक आपको फाइन भी देगा। तो फिर कस्टमर केयर तो आपको मिल ही जाएगा। हर बैंकों के अलग अलग कस्टमर केयर होते हैं और आप लोग अगर जिस बैंक का भी क्रेडिट कार्ड अगर यूज कर रहे हैं तो आप उसके कस्टमर केयर को या उसके कस्टमर केयर के मेल आईडी को या वर्चुअल असिस्टेंट को, इन सारी चीज़ों की जानकारी आप एक अपने नोटबुक में जरूर नोट करके रख लीजिएगा। आप कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं अगर आपको मेल आईडी नहीं मालूम है तो आप हमें व्हाट्सएप में बताइए, मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस मेल पे या किस कस्टमर केयर पे कैसे बात करना है ताकि आपको सर्विस जल्दी से जल्दी मिल पाए। ठीक है दोस्तों, तो आप कस्टमर केयर को जब आप कॉल करेंगे तो कस्टमर केयर को कॉल करने के बाद आपका एक कस्टमर का रेफरेंस जनरेट होगा, बकायदा मैसेज आएगा या फिर कॉल पे ही आपको उस प्रॉब्लम का सलूशन बताते हुए आपको कितने दिन लगेगा वो रेफरेंस नंबर बता दिया जाएगा और उस रेफरेंस के बिहाव पे आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है। दोस्तों बिल्कुल समझदारी वाली बात है कि अगर 30 दिन में अगर आपकी प्रॉब्लम का बैंक शॉर्ट आउट नहीं करता है तो 500 रुपये का पर डे के हिसाब से बैंकों की पॉलिसी आ गई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। अगर आपने अभी तक से नई पॉलिसी नहीं पढ़ी है तो आप व्हाट्सएप में आइए या फिर आफ्टर के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसको जाकर देखिएगा। तो दोस्तों वो रेफरेंस के बिहाव पे नेक्स्ट कॉल आपको, मतलब हर चीज़ों के अलग अलग मतलब स्टेप्स होते हैं। पहले कस्टमर केयर को कॉल किया, फिर कस्टमर केयर से नेक्स्ट एक आरएम होता है, आप कस्टमर केयर से आरएम का नंबर भी ले सकते हैं, आपको उनको कॉल करना है और फिर इनकी भी एक लीगल टीम होती है जो आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट करती है। ठीक है ना, आपको पता ना कि हर बैंकों की भी एक लीगल टीम होती है टॉप लेवल पे। आप किसी बैंक में जाएंगे तो आपको पहले किसको कॉल करना है, दूसरे किसको कॉल करना है, तीसरे नंबर पर किसको कॉल करना है, उन सब टीमों का बकायदा आपको नंबर मिल जाएगा। मैं फाइनेंशियल लिटरेसी में आपको इन सब चीज़ों का जानकारी होना चाहिए कि भाई सिविल क्या होता है, सिविल कैसे बनता है, सिविल से हम क्या क्या अच्छाई है, सिविल की क्या बुराई है। ये सारी चीज़ें नहीं पता होगी तो आप फंस जाते हैं। बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखा है कि क्रेडिट कार्ड कैसे यूज किया जाता है, पर्सनल लोन कैसे लिया जाता है, उन सारी चीज़ों को जब देखेंगे तो आपको इन सारी चीज़ों का नॉलेज होगा। तो दोस्तों कस्टमर केयर के वो कॉल करने के बाद आपको रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, 3 दिन वेट करिए, कोई रिस्पांस नहीं मिलता फिर आप कॉल करिए, फिर उनको अपनी रेफरेंस नंबर के बिहाव पे ही कॉल करना है और फिर जब आप उनसे आपका जवाबदाही ख़त्म हो जाता तो आप उनसे पूछो भी नेक्स्ट लेवल का बंदा कौन है, आप उसको कॉल करिए। कॉल करने से बेटर है आप उस रेफरेंस के बिहाव पे उसको मेल लिखिए कि मेरी ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का आप लोग या आपकी टीम शॉर्ट आउट नहीं कर रही है, मैंने 3 बार कॉल किया, मेरा रेफरेंस नंबर ये है। दोस्तों वहाँ भी आपका एक एविडेंस बन जाएगा, अगर वो एक हफ्ते में आपका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं कर सकता तो फिर इनकी जो मतलब और हायर अथॉरिटी होती है उसको आप मेल लिख के आप 3 बार मेल, पहली बार में आप उस रेफरेंस के बिहाव पे करिए, दूसरी बार में रेफरेंस के बिहाव पे करिए, तीसरी बार में आपको सीसी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को करना है और अगर फिर वो 30 दिन में आपका रिप्लाई नहीं देता है तो फिर आप 500 रुपये भागीदारी बन जाते हैं और फिर वो आगे फॉरवर्ड जाता है। तो आपको वहाँ पे क्या लिखना है, यही लिखना है कि आपकी ये मजबूरी थी, आपके साथ रिकवरी वालों ने ऐसे बदतमीजी की, गाली गलौज किया, आपके रिश्तेदार को परेशान किया जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के टीम की तरफ जो पॉलिसी है उससे खिलाफ किया और आप इसको रोकने की कोशिश करिए। मेरी अभी जॉब कट हो गई है, मेरी ये परेशानी है, वो परेशानी है, जो भी आपकी परेशानी है उस परेशानी को लिखते हुए आप अपनी मजबूरी बताइए और उनको बोलिए कि प्लीज़ आप इसको सेटलमेंट कर दीजिए ताकि मैं एक बार में इसके पैसे दे के मैं छुटकारा पा लूँ। अदरवाइज मैं छोटा छोटा पैसा दे दे के मैं इतने पैसे दे चुका हूँ जितना आपका क्रेडिट कार्ड भी नहीं था। यह मेल आपको लिखना आना चाहिए, जितना अच्छे से मेल लिखेंगे उतना जल्दी आपको रिप्लाई आएगा।
दोस्तों इसमें शुरू में आपको कस्टमर केयर को कॉल करना है, दूसरी बार में फिर कस्टमर केयर को कॉल करना है, रेफरेंस नंबर दोनों बार लेना है, फिर आपको नेक्स्ट आरएम लेवल पे मेल करना है, और उसके बाद जो उनका ऑडिट होता है, जो मतलब सबसे टॉप लेवल के जो लोग होते हैं उनको आपको मेल करना है। हर कंपनी के अलग अलग टॉप मैनेजमेंट में भी ग्रीवांसेस सेल होती है जो आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट करने की पूरी कोशिश करती है। तो आपको मैंने जैसे शुरू में बताया कि अगर जब आप मेल लिख देंगे, आप कस्टमर केयर को कॉल कर लेंगे, तो उनको ये पता चल जाएगा कि भाई ये एजुकेटेड कस्टमर है, इनसे हम वैसे वे में रिकवरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर आगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या बैंकिंग ओम्बड्समैन में चला गया तो हमें जुर्माना तो देना ही पड़ेगा और सेटलमेंट तो फिर भी हमें कम से कम में करना ही है। तो आपको रिकवरी वाले कॉल नहीं करेंगे, इस बात को आप करके देखिए, 99% ये चीज़ काम करेगा। मेरे बहुत सारे कस्टमरों ने जिनको परेशानी हो रही थी कॉल पे या फिर उनके घर पे आके परेशान लोग कर रहे थे, उन्होंने इस चीज़ को किया और उनकी कॉल आनी बंद हो गई। हाँ, बैंकों को उन्होंने मेल लिखा और बहुत लोगों ने उसके बिहाफ पे 6 से 7 महीने में सेटलमेंट भी करवा लिया। सेटलमेंट कैसे करें, इसमें मैंने कम से कम 27 वीडियो आप लोगों के लिए बना रखी है, तो आपने अगर नहीं देखी है तो व्हाट्सएप में आइए, मैं सारी वीडियो के लिंक्स को आपको भेज दूंगा, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, लेंगे और रखिए अपने सेहत का ख्याल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।